24 सितंबर को बाड़ी में लगेगा संभाग स्तरीय विप्र महाकुंभ। शिरकत करेंगी कई जानी मानी हस्तियां और प्रशासनिक अधिकारी। गौड़ जिला फाउंडेशन धौलपुर द्वारा 24 सितंबर को रामदरबार बाड़ी बामनी नदी पर संभागीय स्तरीय विप्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों का सम्मान, जनप्रतिनिधि, सरकारी सेवा में चयनित छात्र छात्राओं का सम्मान। जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से की जाएगी। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार की मंत्री अर्चना शर्मा, विप्र बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, गौड़ सनाट्य फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष देवी शरण शर्मा, पूर्व मंत्री राजकुमार रैनवा, पूर्व मंत्री एसटी शर्मा, महानगर टाइम्स के ब्यूरो चीफ गोपाल शर्मा, हाथरस जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय, मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री राजकुमार शर्मा, सनाट्य ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कौशल, धौलपुर जिले के सह संयोजक लोकेश चतुर्वेदी, राष्ट्रीय भागवत कथा आचार्य निर्मला देवी, संत बनवारी दास, महाराज मनीष पटसारिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालकृष्ण तिवारी, पूर्व सांसद रामकिशन शर्मा, मध्य प्रदेश के मंत्री गिरिराज सिंह डंडोतिया, पूर्व विधायक बलवीर डंडोतिया, परशुराम मुदगल, पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख किशनचंद शर्मा, गोविंद शर्मा, समाजसेवी सीपी शर्मा, परशुराम ट्रस्ट धौलपुर के अध्यक्ष पीसी बोरा, पूर्व उपसभापति रीतेश शर्मा, फाउंडेशन के राष्ट्रीय सह संयोजक हरिशंकर शर्मा, चाणक के छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष कैलाश भारद्वाज सहित कई जानी मानी हस्ती और अधिकारी विप्र महाकुंभ में शिरकत करेंगी, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी एवं कमेटी के सदस्य गांव-गांव जा रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में समारोह में भाग लेने की समाज बंधुओं से अपील कर रहे हैं।